कंपनी का शेयर डेफिनेटली लाइफ टाइम हाई जाएगा, भले ही उसके लिए एक से दो साल लगे, क्योंकि इसके पीछे तीन रीजन है। हे दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसी कंपनी का जो ऑलमोस्ट 52 वीक लो पे चल रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी न्यूज इस कंपनी के लिए ये है। इस कंपनी का प्रोमोटर और डायरेक्टर अशोक जयपुरा जी ने 55,000 शेयर 3.5 करोड़ रुपीज़ में खरीदा है। इसका मतलब यह है कि इस कंपनी के डायरेक्टर एंड प्रोमोटर को लग रहा है कि अभी यह कंपनी का शेयर अंडर वैल्यूड है। हम बात कर रहे हैं कोस्मो फर्स्ट फाइनेंस की। कोस्मो फर्स्ट फाइनेंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1800 करोड़ रुपीज़ है। इसका करंट वैल्यू 679 रुपीज़ है। 52 वीक हाई 1100 रुपीज़ है और 52 वीक लो 550 रुपीज़ है। ये शेयर अभी 52 वीक लो के आसपास ही चल रहा है। इस कंपनी का बुक वैल्यू देखें तो ये भी 476 रुपीज़ है और इसका ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो ये भी ऑलमोस्ट 20% के आसपास ही है। अब अगर इस कंपनी का बिजनेस देखें तो हमको ये देखने मिलेगा ये कंपनी पैकेजिंग से रिलेटेड बिजनेस कर रही है। इस कंपनी का अगर कस्टमर देखें तो ये देखने मिलेगा ब्रिटेनिया, पार्ले, कोका कोला, पेप्सी, HUL यानी ऑलमोस्ट ITC, PNG, मैकडोनाल्ड, ऑलमोस्ट जितने भी इंडिया का FMCG कंपनी है वो सारा इस कंपनी का ब्रांड है। अगर इस कंपनी का अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखें तो इसका 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो 2 औरंगाबाद में, 3 बड़ौदा में और 1 कोरिया में भी है। इस कंपनी का अगर आप फाइनेंशियल रिजल्ट देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इस कंपनी का सेल्स डिक्रीज हुआ है। इसका नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज हुआ है। अगर ईयरली बेसिस में इसका सेल्स देखें तो ये भी ऑलमोस्ट डिक्रीज हुआ है या कॉन्स्टेंट हुआ है, और इसका जो नेट प्रॉफिट है ये डिक्रीज हुआ है। इस कंपनी का नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट डिक्रीज होने के पीछे ये रीज़न है कि अभी महंगाई के वजह से बहुत सारी FMCG कंपनी अपना जो इन्वेंट्री था उसी को यूज़ कर रही थी। इसके वजह से इस कंपनी का सेल्स में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, लेकिन प्रोमोटर को ऐसा लग रहा है कि यह कंपनी का सेल्स अभी बढ़ने वाला है, इसके वजह से प्रोमोटर अभी इन्वेस्ट कर रहा है। आप अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो कुछ क्वार्टर में कंटिन्यूसली प्रोमोटर अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है। लास्ट क्वार्टर में FIIs भी शेयर इनका इंक्रीज किया है, DIIs ने भी शेयर थोड़ा सा इंक्रीज किया है और पब्लिक का शेयर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। अगर ये कंपनी का टेक्निकल चार्ट देखें तो आपको देखने मिलेगा कि अप्रैल 2022 में ये कंपनी ऑलमोस्ट 1500 के आसपास हाई बनाया था और वहाँ से लगातार गिरता आ रहा है, और ये 550 का लो मार्च 2023 में बनाया है और अभी कंपनी 677 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप रेसिस्टेंस देखें तो आपको देखने मिलेगा इस पॉइंट में थोड़ा रेसिस्टेंस है। अगर इस कंपनी का शेयर यहाँ से लेके सिर्फ रेसिस्टेंस तक भी पहुँचता है तो फिर भी आपको ऑलमोस्ट 15-20% का रिटर्न दे सकता है। अगर ये लाइफ टाइम हाई पे पहुँचती है तो ये ऑलमोस्ट 110% का रिटर्न दे सकती है। इस कंपनी का शेयर डेफिनेटली लाइफ टाइम हाई जाएगा, भले ही उसके लिए एक से दो साल लगे, क्योंकि इसके पीछे तीन रीज़न है। पहला रीज़न है कि इन्फ्लेशन कम हुआ, इसके वजह से FMCG कंपनी नया ऑर्डर प्लेस करेगा। जब FMCG कंपनी नया ऑर्डर प्लेस करेगा टाइम में इस कंपनी का सेल्स बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। दूसरा रीज़न ये है कि ये कंपनी ने अपना कॉन्फ्रेंस कॉल विथ इन्वेस्टर में ये कहा है कि ये अपना कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी जिस रुपये से ये प्लांट मशीनरी बैठाते हैं वो बढ़ाने वाली, वो कितना बढ़ाने वाली है, वो 500-550 करोड़ रुपीज़ बढ़ाने वाली है, वो भी 2025 तक। आप अगर सोचो ये टोटल कंपनी 1800 करोड़ की है, उसमें से 500-550 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है, इसका मतलब ये है कि इस कंपनी में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। इसी वजह से इसका प्रोमोटर जो मिस्टर अशोक जयपुरा जी है, इनको पता चल गया कि ये कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है, वो इसलिए वो शेयर खरीदे। ये तीनों रीजन से ये पता चलता है कि ये कंपनी जो अपना ऑल टाइम हाई है इसको भी क्रॉस करके ऊपर जाएगा। अगर ये ऑल टाइम हाई तक भी पहुँचता है तो ये ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा रिटर्न देगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।